भाई टाइम जो है वो एकदम लिमिटेड रिसोर्स है और हम में से कोई भी बेकार मूवीज पर इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता है। एकदम न्यू एंड फ्रेश क्वालिटी मूवीज में टाइम इन्वेस्ट करके हम सब जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। तो आइए अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई सबसे बेस्ट एंड वर्थ वॉचिंग मूवीज के साथ जीवन के इस आनंददायक सफर पर चलते हैं। नेटफ्लिक्स मूवीज इस वीडियो में नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले पूरी पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर एक्शन कॉमेडी ड्रामा हर एक टेस्ट वाली मूवीज से भरा अक्टूबर 2022 का ये अमेजिंग मंथ अंडर वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 5 पर एक फनी एक्शन फिल्म है। भाई जिस तरह एक्शन के साथ सस्पेंस और थ्रिल का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, वैसे ही एक्शन के साथ कॉमेडी का कॉम्बिनेशन भी कमाल का हो सकता है। इस बात को एकदम प्रूफ करती है अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई एक्सीडेंट मैन हिटमैन्स हॉलीडे। 2018 में आई फिल्म एक्सीडेंट मैन में जिस टफ हिटमैन की कहानी शुरू हुई थी, वही टफ मैन अब वापस आ गया, लेकिन इस बार किसी को मारना उसका मिशन नहीं है बल्कि टारगेट को बचाना उसका मिशन है। दोस्तों इस फिल्म का जो एक्शन क्रू था ना वो कई मूवीज की पूरी स्टार कास्ट से भी बड़ा था और इस एक्शन क्रू का बहुत अच्छा यूज फिल्म में किया गया है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस एंड एक्शन कोरियोग्राफी दोनों ही अमेजिंग है। एक्शन ही इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसे काफी इंजॉयबल बना देता है। इस फिल्म में कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं तो फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बिना सिर्फ यूनिक एक्शन एंजॉय करने के लिए ये फिल्म आप ट्राई कर सकते हैं। Zee5 पर रेंट करके इसे आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक डिसेंट कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। मेडिवल पीरियड में सेट इस फिल्म को एडवेंचर फिल्म भी कहा जा सकता है क्योंकि एक यंग गर्ल के बोल्ड एडवेंचर हमें दिखाती है ये अमेजॉन ओरिजिनल फिल्म कैथरीन कॉल्ड बर्डी। दोस्तों आज सोसाइटी में काफी चेंज आ चुके हैं लेकिन मेडिवल पीरियड में पैट्रियार्की एकदम पीक पर थी और यहां गर्ल्स के सारे लाइफ डिसीजन उनके फादर्स के हुआ करते थे। तो इस फिल्म में हम देखते हैं कि 14 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल अपने डिसीजन अपनी चॉइसेस के लिए फाइट करती है और अपनी लाइफ को अपने रूल से इंजॉय करती है। ये फिल्म 1994 की क्लासिक नॉवल कैथरीन कॉल्ड बर्डी पर बेस्ड है और इस सीरियस मैटर को जिस फनी तरीके से फिल्म में प्रेजेंट किया गया है ना वो इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आप लाइट कॉमेडी एंड ड्रामा वाली फील गुड मूवीज को पसंद करते हैं तो फिर इस फिल्म को भी आप ट्राई कर सकते हैं। 1 hour and 45 minutes की फिल्म Amazon Prime पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर एक ऐसी बोल्ड मेडिकल कॉमेडी फिल्म है जिसकी जरूरत शायद हर जनरेशन को है। 14 अक्टूबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज हुई आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म डॉक्टर जी। फिल्म में एक मेल डॉक्टर है जिसे ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन वो एक गायनेकोलॉजिस्ट बन जाता है और बस यहीं से उसका जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों एक सीरियस इशू को ये फिल्म एकदम फनी वे में प्रेजेंट करती है और ये इसका एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। आयुष्मान खुराना जिन्होंने बोल्ड सोशल इश्यूज पर बेस्ड मूवीज को एक अलग लेवल पर लाकर खड़ा किया है। बधाई हो, चंडीगढ़ करें आशिकी, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान जैसी उनकी मूवीज ने कॉमेडी के साथ सोसाइटी के सबसे बोल्ड एंड अनडिस्कस्ड इश्यूज को खुलकर डिस्कस किया है और डॉक्टर जी भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें आयुष्मान खुराना ने हर बार की तरह अपना बेस्ट दिया है। तो ये भी फिल्म का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बस फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसकी राइटिंग, उसका स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डल नजर आता है, ये फिल्म का एक वीक पॉइंट है। भाई कुछ मूवीज होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं लेकिन जो सोशल इशू बेस्ड मूवीज होती हैं वो अपने सब्जेक्ट मैटर पर फोकस करने के चक्कर में कई बार पूरी तरह से एंटरटेनिंग पैकेज नहीं बन पाती हैं और डॉक्टर जी भी उन्हीं मूवीज में से एक है। तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखने वाले लोगों को कुछ पॉइंट्स पर ये थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम यंग जनरेशन को तो ये फिल्म ट्राई करनी चाहिए। ये फिल्म अभी थिएटर्स में लाइव है लेकिन OTT पर इसके आने का इंतजार करना ज्यादा सही होगा क्योंकि ये फिल्म शायद थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए तो नहीं बनी है। नंबर 2 पर इस साल की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म है जिसे लेकर भाई फैंस एकदम पागल थे। फाइनली अक्टूबर 2022 में ड्वेन जॉनसन स्टारर ये सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम रिलीज हो चुकी है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस महीने में एक ही फिल्म ऐसी है जो एकदम थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनी है। बिग स्क्रीन पर इसके एक्शन सीक्वेंसेस वो किक देते हैं जो एक सुपर हीरो फिल्म से हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिल्म की स्टोरी एक विलेनस हीरो ब्लैक एडम को फॉलो करती है जो बहुत सालों तक कैद में रहने के बाद जब आजाद होता है तब भाई इस रियल वर्ल्ड में वो अपनी पावर्स का पूरा मजा लेने की कोशिश करता है, पूरा स्वाद लेने की कोशिश करता है। फिल्म के सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स, इसके एक्शन सीक्वेंसेस और लीड स्टार्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस सब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लेकिन जिस लेवल की स्टोरी और विलन इस फिल्म से एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ ये नहीं दिखा पाई है तो ये इसका एक वीक पॉइंट है। वैसे तो अब तक सभी सुपर हीरो मूवी फैंस इसे देख चुके होंगे लेकिन अगर अब तक आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो नियर बाय थिएटर्स में जाकर बिग स्क्रीन पर इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में अभी लाइव है। इसके अलावा अगर आप 2022 की और भी मोस्ट अवेटेड मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में शो हो रहे वीडियो को जरूर देखिए। नंबर 1 पर ऑस्कर लेवल की कन्नड़ फिल्म है जिसकी हाइप एकदम रियल है। 30 सितंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज हुई ये एक्सीलेंट फिल्म कांतारा।
केजीएफ के बाद ये कन्नड़ इंडस्ट्री की वो फिल्म है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्वालिटी मूवीज बनाने के लिए मेगा स्टार और हाई बजट की जरूरत नहीं है, बल्कि क्वालिटी स्टोरी चाहिए और उसे हर एक व्यूअर के दिल तक पहुंचाने का जज्बा चाहिए। इस कन्नड़ फिल्म ने इस बात को साबित कर दिया है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस इसमें एकदम टॉप लेवल की है। सबसे टफ और एकदम टॉप लेवल की ही सिनेमेटोग्राफी इसमें है। डायरेक्शन, राइटिंग, प्रोडक्शन डिजाइन, साउंड ट्रैक, भाई सब कुछ इसमें टॉप लेवल का है। बहुत टाइम बाद ऐसा कंटेंट आया है जिसमें एक भी नेगेटिव पॉइंट निकालना मुश्किल है। ये क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म सिर्फ इस महीने की ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा में आज तक बनी सबसे फाइनेस्ट मूवीज में सबसे टॉप पर आ चुकी है। ये केजीएफ चैप्टर 2 के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। अगर अब तक आपने इसे नहीं देखा है तो बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। अभी कुछ थिएटर्स में ये लाइव है तो बिग स्क्रीन पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। भाई 30 सितंबर को कांतारा के साथ साथ एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही बवाल मचा दिया था। विक्रम वेदा, जो 2017 में आई एक्सीलेंट तमिल फिल्म विक्रम वेदा का रीमेक थी। तो हम सब यही सोच रहे थे कि इतनी अमेजिंग फिल्म का रीमेक बनाकर क्या ही उखाड़ लिया जाएगा। लेकिन भाई ऋतिक रोशन की टॉप लेवल परफॉर्मेंस और इसके स्लो मोशन एक्शन सीन्स ने सच में कमाल कर दिखाया है। रीमेक का दूसरा नाम बॉलीवुड के इस रीमेक में थोड़ा दम तो है, तो इस फिल्म को भी एक बार ट्राई करना तो बनता है। देखो भाई जिंदगी सच में गुलजार है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हर महीने न्यू एंड फ्रेश क्वालिटी मूवीज की लिस्ट आपको यहां मिलती रहेंगी। अगर ये लिस्ट आपको पसंद आई हो तो हमारी थोड़ी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता है, और अगर लिस्ट ना भी पसंद आई हो तो भाई लाइक तो करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत तो हमने की है। तो बस आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।